हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लेज। सो इट्स द लास्ट ईव ऑफ ईयर 2021। मैं आज चाह रही थी कि मैं आपसे ज़रूर बात करूं, बिकॉज आई रियली वांट टू थैंकफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जो मेरा चैनल देखते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले साल में भी आपका साथ ऐसा ही बना रहेगा। सो आज इट्स वॉज लाइक कि मुझे था कि मुझे आपसे बात करनी ही करनी है। सो आपका नया साल कैसा होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने इस नए साल में क्या क्या करती हूँ या क्या क्या मैं चेंजेस इस साल में चाहती हूँ। सो मुझे लगता है कि आप कुछ भी करिए, ठीक है, आप अपना घर साफ करिए, पूजा करिए, दान करिए, एवरीथिंग पॉसिबल विच यू कैन डू यू हैव टू डू ऑन दिस डे। क्योंकि अक्सर हमने अपने बूढ़े बुजुर्गों को ये बोलते हुए सुना है कि आप आज के दिन में जो करते हैं और जिस तरह से आपका दिन जाता है, आने वाला पूरा साल आपका उस तरह से जाता है, ठीक है। तो आप इसे एक सजेशन मान लीजिए या बिलीफ मान लीजिए, बट मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। बट मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में ग्रोथ करना इज़ नॉट अ ग्रोथ, ठीक है। आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर आप अपने आप को बैलेंस्ड कर पाते हैं और कुछ भी ऐसी चीज़ें आप जिससे कि आपके फोर पिलर्स ऑफ योर लाइफ अगर बैलेंस्ड है, तो एवरीथिंग गोना बैलेंस्ड इन योर लाइफ, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपने, मुझे लगता है कि कल के दिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल ग्रोथ से करनी चाहिए। वट एवर यू फील ईजी और वट एवर यू कैन डू, यू हैव टू डू। चाहे आप 10 मिनट ही एक्सरसाइज करिए, बट कर प्लीज़ आप भी और मैं भी करूँगी ये। आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, वट एवर यू फील ईजी, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। ताकि आने वाले पूरे साल में आप इस चीज़ के लिए मोटिवेट रहें कि मुझे ये चीज़ करनी है। बिकॉज जब आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने आप बैलेंस्ड होती जाती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप मेंटल ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी बुक पढ़ डालिए, बट आप बुक के कुछ पेजेस पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए आप, या आप जिस भी धर्म से हैं, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लीजिए, आप उसके एक या दो पन्ने ज़रूर पढ़िए। ताकि, और भगवान से ये प्रार्थना करिए कि मैं पूरा साल इसी तरह से इस को बनाए रखूं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इमोशनल। इमोशनल बैलेंस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैलेंस, जो आजकल मुझे लगता है सब लोगों का डगमगाया हुआ है। और खासकर ये दो साल हमारे ऐसे निकले हैं कि पता नहीं हमने किन किन लोगों को खो दिया है और कैसी कैसी सिचुएशंस में से हम निकले हैं, ठीक है। सो इमोशनली जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग्स, और सबको आप थैंकफुल करिए, सबके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करिए। और आपके, चाहे लेबर क्लास है या आपके घर में कोई काम वाली आती हैं जो आपके घर को साफ़ सुथरा रखती हैं, आपकी सोसाइटी को साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है, आप उनके लिए भी थैंकफुल हुए। और हो सके तो कुछ भी मिनिमम, अगर आप कल के दिन कुछ दान कर पाएँ तो ज़रूर करें। बिकॉज मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। आप मंदिर जाइए, जो करना है करिए, बट कल के दिन अगर आप एक किसी भूखे आदमी को खाना खिला पाएँ, आप किस आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो इट विल वर्थ मेक योर डे, ठीक है। वो आपको दिन बना देगा, पूरा साल आपको ये दिन याद रहेगा कि आपने किसी के लिए कुछ छोटा सा कर दिया था, कुछ भी छोटी सी चीज़, एनीथिंग पॉसिबल जो आप कर पाएँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्पिरिचुअली, आप चाहे आस्तिक हैं, चाहे अनास्तिक हैं, आप जो भी हैं, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप कोई चैंटिंग सुन लीजिए, कोई भगवान का शब्द सुन लीजिए, कुरान सुन लीजिए, कोई वाणी सुन लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी ऐसा अच्छा, सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत इस चीज़ से करिए। तो अगर आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अगर आप ये चारों चीज़ें अगर आप कर पाते हैं, तो आई थिंक इससे अच्छे जो शुरुआत है वो नए साल की नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। सो स्पेशली अभी इट्स वॉज लाइक नाइट 10 o'clock, तो मुझे लगा कि अभी बस न्यू ईयर आने ही वाला है। आई होप आप सबका नया साल बहुत अच्छा जाए और
हम इस महामारी से, पेंडेमिक से बाहर आ पाएँ। और स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए। एंड जय हिंद, जय भारत।